हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जिनका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि कौन सा अकाउंट, तो कोई सा भी अकाउंट हो, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हो या फिर मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट हो, जैसे कि कोटक 811 अकाउंट हो या फिर कोटक 811 एज अकाउंट हो या फिर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जिसको हम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट कहते हैं वो हो, या फिर कोई और सेविंग्स अकाउंट हो या कोई करंट अकाउंट हो या कोई सैलरी अकाउंट है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिले, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक इस टाइम पे प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे रहा है। तो आप भी चेक कर सकते हैं कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिला है या फिर नहीं, और अगर आप चेक नहीं भी करेंगे तब भी आपको आज नहीं तो कल या फिर कभी ना कभी कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से, जो उनकी सेल्स टीम होती है क्रेडिट कार्ड सेल्स टीम, उनकी तरफ से कॉल आ जाए, कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जीक्यूटिव की तरफ से कॉल आ जाए कि आपको प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड का ऑफर है और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, बस आप डिटेल्स दे दीजिए, कुछ बेसिक सी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो बाकी आपकी डिटेल्स जो कंफर्म कराते हैं उनके पास सारी डिटेल्स मौजूद होती है, बताते रहते हैं कि ये डिटेल्स हैं आपकी, आपका ये एड्रेस है और आपका पैन नंबर ये है, तो वो सारी आपकी डिटेल्स आपसे कंफर्म कराते हैं। और अगर कुछ डिटेल्स आप उसमें से चेंज कराना चाहते हैं, एडिट कराना चाहते हैं, तो आप वो एडिट करा सकते हैं। बाकी जो आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स होती हैं वो तो आपसे पूछते ही हैं, या फिर आप खुद जो है उसको फिल कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। तो बहरहाल लिंक तो मिल जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है आपको कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और आप डायरेक्टली कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर केयर को कॉल भी करके पूछेंगे तो वो भी आपको बता देंगे और वो कॉल भी अरेंज करा देंगे। कॉल अरेंज हो जाएगा तो आपको जो है लिंक वगैरह मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। तो बहुत सारी इसमें बातें हैं जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं कि आपको ऑफर कैसे चेक करना है कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से कोई प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड का ऑफर है या फिर नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर कर रहा है प्री क्वालिफाइड में। तो ज़्यादातर जो है कोटक महिंद्रा बैंक इस टाइम पर मैं देख रहा हूँ कि प्लेटिनम लीग क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क के साथ में आता है, जो वो क्रेडिट कार्ड प्री क्वालिफाइड में ऑफर कर रहा है। तो क्रेडिट कार्ड का नाम याद कर लीजिए, कोटक लीग प्लेटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये रुपे नेटवर्क के साथ में आता है। और एक ज़रूरी बात कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये ज़्यादातर लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जाता है, लाइफ टाइम फ्री दिया जाता है, मतलब इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ज्वाइनिंग फी या फिर इश्योरेंस फी या एनुअल फी नहीं ली जाती है। और ख़ास करके जब प्री क्वालिफाइड ऑफर आए तो ऐसे में ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि जो इसकी ज्वाइनिंग फी होती है, फिर इश्योरेंस फी आप कह लीजिए, वो नील होती है और एनुअल फी भी नील होती है। और जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी बताया जाएगा कि इसकी कोई ज्वाइनिंग फी या कोई एनुअल फी नहीं है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। तो यही क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा आज के टाइम में ऑफर किया जा रहा है और क्रेडिट कार्ड लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर अप्रूव भी हो रहा है और यही क्रेडिट कार्ड ऐसा है जो कि अभी के टाइम में लाइफ टाइम फ्री मिल भी रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो जिन लोगों को भी ऑफर मिले अगर वो चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड रहेगा। और जिन लोगों ने अब तक अकाउंट ही नहीं ओपन कर रखा है कोटक महिंद्रा बैंक का, तो चाहे तो जीरो बैलेंस अकाउंट है कोटक 811 वो ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जिनके पास अकाउंट नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक का, वो भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का। और अगर ये लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहें आप, तो मैंने इसके लिए डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे दिया है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम फ्री अक्सर इस पर ऑफर रहता है, लाइफ टाइम फ्री मिलता है अक्सर ये क्रेडिट कार्ड। तो अभी चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ऑफर कैसे चेक करना होता है। तो आप मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग से भी, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग से भी चेक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं मोबाइल बैंकिंग के जरिए से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग के जरिए से कैसे ऑफर चेक करना होता है, आइए इसके लिए सीधा जो है बढ़ते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप की ओर और लॉगिन करके आपको दिखाते हैं ऑफर। ऑफर चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लेना और इसमें लॉगिन कर लेना है। तो आइए, इसको हमने ओपन कर लिया है, अब लॉगिन करते हैं। देखिए, कभी कभी को इनका सर्वर थोड़ा सा स्लो चलता है और कभी कभी को हमारा इंटरनेट स्लो चलता है, तो थोड़ा सा आपको संयम बरतना होगा, वेट करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आप चाहें तो बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट का, या फिर आप चाहें तो जो 6 डिजिट का एम पिन होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, हमने कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है।
और यहाँ पे आपको लोन्स वाले सेक्शन में देखने को मिलता है एक ऑप्शन लोन एंड कार्ड ऑफर्स, तो इस पे आपको इस तरह से टैप कर देना होता है और थोड़ा सा वेट करना होता है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिखाया जा रहा है, प्री क्वालिफाइड फॉर कोटक लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, और ये ऑफर वैलिड रहेगा 31 जनवरी 2024 तक। मतलब कि समझ लीजिए कि ये जब से मुझे ऑफ़र आया है लगभग एक महीने तो हो ही गए हैं, तो अभी ये पूरे जनवरी रहने वाला है ऑफ़र। और यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का तो खैर ये तो हम अप्लाई कर सकते हैं कभी भी, ऑफ़र रहे या ना रहे, और ये पर्सनल लोन का भी ऑफ़र है। तो इसी तरह से आपको ऑफ़र्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो लोन के ऑफ़र्स हों या फिर क्रेडिट कार्ड के ऑफ़र्स हों, सारे ऑफ़र्स आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि इस तरह से कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफर्स जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं, इसमें लोन के भी ऑफर्स रहते हैं, क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर्स रहते हैं। तो जो भी आपको ऑफर्स मिलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से वो सारे आपको इसमें दिखाए जाते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को मैं कुछ ऐसे ज़रूरी पॉइंट्स जो बताना चाहूँगा, जो आप अगर मिस कर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम है। सबसे पहले अगर आपके पास पहले से ही कोटक महिंद्रा बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो आप डायरेक्टली अप्लाई मत करिएगा, जो आपको ऑफर दिखाया जा रहा है उससे आप डायरेक्टली मत अप्लाई करिएगा, या फिर नेट बैंकिंग से जाके मतलब इंटरनेट बैंकिंग से जा करके आप डायरेक्टली अप्लाई मत करिएगा अगर वहाँ पे आपको ऑफर दिखाया जा रहा हो तो, क्योंकि ऐसा हो सकता है। और आपके पास कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो कोटक महिंद्रा बैंक का, चाहे सिक्योर्ड चाहे अनसिक्योर्ड, या फिर क्रेडिट कार्ड रहा हो जिसको आपने क्लोज करा दिया हो, तो होता यह है कि एक बार जब आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, याद रखिए कोई सा भी क्रेडिट कार्ड चाहे सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड, और आप उसको बंद करा देते हैं और आप चाहें कि आप मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए से या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए से कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लें, आपको ऑफर में दिख रहा है, तो ऐसे में जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो ये हो सकता है कि एरर आए, लिख करके आए। मैं तो जब अप्लाई कर रहा हूँ तो लिख करके आता है, एरर आता है जब मैं मोबाइल बैंकिंग से अप्लाई करता हूँ तो, कि आपके पास पहले से कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आप पहले से ही कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, इसलिए आप ये क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो, क्योंकि मैंने पहले कोटक महिंद्रा बैंक का सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लिया था जब एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड इनका चलता था, तो उस टाइम पर मैंने लिया था और वो बंद करा दिया। फिर भी अभी तक जो है जब भी मैं मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए से कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहता हूँ तो वही एरर आता है। और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास पहले से कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड रहा हो या फिर हो और आप यहीं से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, मतलब आपको यहाँ पे ऑफर दिखा और आपने अवेल कर दिया यहीं पे अवेल नाउ पे टैप करके, तो आपको ये वाला एरर आएगा जो मैंने आपको बताया था, यू ऑलरेडी होल्ड ए कोटक क्रेडिट कार्ड विद अस, मतलब पहले से मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जबकि वो क्रेडिट कार्ड मैंने जो बहुत पहले ही बंद करा दिया है, तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड था वो कोटक महिंद्रा बैंक का जिस टाइम पे था, उस टाइम पे भी जब मैं अप्लाई करता था तो इस तरह का एरर आता था और अभी भी आ रहा है। लेकिन जब आपको लिंक प्रोवाइड करा जाएगा तो उस टाइम पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी इस तरह का एरर नहीं आएगा, आप आराम से बिल्कुल अप्लाई कर ले जाएंगे। तो इस तरह से आप कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग के जरिए से अपने लोन और क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स चेक कर सकते हैं, और अगर आपको ऑफर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशली आपके पास क्रेडिट कार्ड ना हो कोटक महिंद्रा बैंक का पहले से कोई, या फिर ना रहा हो, तो आप यहीं से मोबाइल बैंकिंग ऐप से ही क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अवेल नाउ का ऑप्शन मिलता है तो क्रेडिट कार्ड के लिए डायरेक्टली आप मोबाइल बैंकिंग ऐप से ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक की नेट बैंकिंग जिसको हम इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें इस तरह के वीडियोज़ बनाते रहने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर मुझे डायरेक्टली लिंक दिया जाए तो लिंक के जरिए से अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे कोई किसी तरह का एरर नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने कोटक महिंद्रा बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड लिया हो, या फिर अगर आपके पास कोई कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो, तो आप डायरेक्टली मोबाइल बैंकिंग से अप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप में दिख रहा हो प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड का ऑफर, तो आप डायरेक्टली अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि आपको एरर शो करेगा कि आप पहले से ही कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं। तो ऐसे में आपको कॉन्टैक्ट करना है कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर और उनसे कॉल अरेंज करवानी है। उनसे आप कहिए कि हमें बात करनी है, जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट टीम है उनसे बात करनी है, हमें ऑफ़र है या फिर नहीं पता करना है, तो फिर आपकी कॉल अरेंज कराई जाएगी। और अगर आपको ऑफ़र रहेगा तो वो तो आप खुद भी देखेंगे और उधर से भी जो एग्जीक्यूटिव कॉल करेंगे वो भी आपको बताएंगे कि हाँ आपको ऑफ़र है, और वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको प्री क्वालिफाइड ऑफर में रहता है वो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और आपका क्रेडिट कार्ड भी आसानी से अप्लाई हो जाएगा और आपको क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जिसके ज़रिए से आप बाद में अपना क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो आपके काम का है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो ज़रूर से इसको लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ होती रहे, क्योंकि इस टाइम पर ग्रोथ रुकी हुई है। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ चाहिए हो तो आप तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और जो आपके दोस्त यार हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।